आज के दौर में लोगों की बेहतर सेहत बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आई है। ऐसे में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर बढ़ते बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और बीमारियों से जूझ रहे सभी भारतीयों के लिए सेहत को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। Recently, ICMR has introduced 17 guidelines which are very easy, very practical for every Indian. Just the guidelines says that you have to eat a variety of food in your diet. So you have to make sure you can use diverse foods like different types of vegetables, different types of fruits, different types of pulses so that you can incorporate a good balanced diet. ICMR ने अपनी guidelines में बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट से बचने, नमक का इस्तेमाल कम करने, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने में कमी लाने और फूड लेवल पर लिखी जानकारी को पढ़ने की सलाह दी है। ICMR के मुताबिक इन गाइडलाइंस को मानकर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स और एनी बिस्किट फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू डोंट नो थिंग्स लाइक colors and stabilizers and all those things that are very bad for your intestines or your gut. So always read how much sugar is there, how much salt is there, and then decide if you want to consume that packet or not. देश के सभी लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के सफर में ICMR की इन गाइडलाइंस को उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। ये गाइडलाइंस लोगों को हेल्दी फूड ऑप्शन चुनने और निरोग जिंदगी जीने का मौका भी देती हैं।